हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने लिए 500 रुपीस के अंदर एक अच्छी रिंग लाइट सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 बेस्ट रिंग लाइट्स अंडर 500 रुपीस। तो अगर आप भी अपने लिए 500 रुपीस के अंदर एक अच्छी रिंग लाइट सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और साथ ही इन सारी लाइट्स का बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको इनमें से कोई भी लाइट पसंद आती है तो आप उसे इजीली यहीं से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर लगाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारी नंबर फर्स्ट लाइट की तरफ, जो कि है फोटोन की तरफ से और जिसका नाम है फोटोन प्रोफेशनल LED रिंग लाइट। और इस लाइट का जो प्राइस है वो है 390 रुपीज। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। इस लाइट का जो साइज है वो है 12 इंचेस यानी कि 30 सेंटीमीटर। और इसकी बॉडी में काफी डिसेंट क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। बाकी इसके अंदर आपको दो मोबाइल होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी सही चीज लगी, जिससे कि अगर इसका एक होल्डर खराब या फिर ढीला भी हो जाता है तो आप इसके दूसरे होल्डर का यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक 360 डिग्री रोटेटेबल माउंट भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसे ट्राइपॉड से अटैच कर सकते हैं। और इसके जो मोबाइल होल्डर्स के स्टैंड है वो भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर आपको हीट फ्री LED लाइट देखने को मिलती है, जिसकी जो ब्राइटनेस है वो भी ठीक ठाक है। बाकी इसके अंदर आपको 3 कलर टेम्परेचर मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसके बटन का यूज करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक इनलाइन रिमोट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 4 बटन देखने को मिलते हैं, जिनका यूज करके आप इसकी पावर और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक USB कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप आसानी से अपने लैपटॉप या फिर चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात करें इसके वायर की क्वालिटी की, तो इसके वायर की क्वालिटी भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सही है। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे तो इसके अंदर कोई कमी लगी नहीं, और ये लाइट आपके लिए भी काफी सही रहने वाली है। बस आप इससे कुछ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल वाली लाइट नहीं मिलने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी नंबर फोर्थ लाइट की तरफ, जो कि है इनविक्टो की तरफ से और जिसका नाम है इनविक्टो 10 पोर्टेबल LED रिंग लाइट। और इसका जो प्राइस है वो है 349 रुपीज। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये भी एक काफी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का ही यूज करके बनी हुई है, और इसका जो साइज है वो है 10 इंचेस। इसके अंदर भी आपको एक मोबाइल होल्डर और एक 360 डिग्री रोटेटेबल माउंट देखने को मिल जाता है। और इसका भी जो मोबाइल होल्डर है वो भी अच्छा खासा फ्लेक्सिबल है, तो आप इसका यूज करके भी अच्छे से अलग अलग एंगल से वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको हीट फ्री LED लाइट्स ही देखने को मिलती हैं, जो कि आपके वीडियो के कंट्रास्ट को कंट्रोल करती हैं। और इसका जो मोबाइल होल्डर है उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, उसमें भी आप आसानी से अपने मोबाइल को फिट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको 3 अलग अलग कलर मोड और 10 ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाते हैं, जिनको कि आप इसके रिमोट का यूज करके चेंज कर सकते हैं। और इन मोड्स का यूज करके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को काफी हद तक एनहांस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इनलाइन रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इसके मोड्स, ब्राइटनेस और पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको USB कनेक्टर देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसे आसानी से अपने लैपटॉप या फिर चार्जर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये लाइट भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि कॉन वगैरह तो मुझे इसके अंदर भी कोई देखने को नहीं मिला। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी नंबर थर्ड लाइट की तरफ, जो कि है डोजर की तरफ से और जिसका नाम है डोजर R01 फ्लैश। और इसका जो प्राइस है वो है 415 रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये भी पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉडी से ही बनी हुई है, और इसका भी जो साइज है वो करीब 10 इंचेस के आसपास ही है। और इसके साथ भी आपको एक मोबाइल होल्डर और एक रोटेटेबल माउंट देखने को मिल जाता है। और मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इन रिंग लाइट्स के साथ आपको कोई ट्राइपॉड नहीं मिलता है, तो उन्हें आप चाहें तो अलग से परचेज कर सकते हैं, और ट्राइपॉड्स वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर भी आपको 3 कलर मोड्स और कुछ ब्राइटनेस कंट्रोल मोड्स भी देखने को मिलते हैं। और इस लाइट की जो क्वालिटी है वो भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी है। इसके अंदर भी आपको इनलाइन रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इसके मोड्स और ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें भी आपको USB टाइप ए कनेक्टर देखने को मिल जाता है, तो इसका यूज करके भी आप इसे आसानी से अपने लैपटॉप या फिर चार्जर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसके भी जो वायर की क्वालिटी है वो काफी सही है। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये लाइट भी पिछली लाइट की तरह सेम ही है, बट मुझे इसकी ब्राइटनेस उनसे ज्यादा अच्छी लगी। तो 500 रुपीज के अंदर ये लाइट भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी नंबर सेकंड लाइट की तरफ, जो कि है हेमरेक्स की तरफ से और जिसका नाम है हेमरेक्स LED रिंग लाइट। और इसका जो प्राइस है वो है 419 रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकी लाइट्स की तरह ही काफी सही है। ये भी पूरी की पूरी प्लास्टिक से ही बनी हुई है, और इसका जो साइज है वो है 10 इंचेस। इसके अंदर भी आपको एक इनबिल्ट रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इसकी ब्राइटनेस और कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक मोबाइल होल्डर और एक रोटेटेबल माउंट देखने को मिलता है। और इसके मोबाइल होल्डर की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और इसमें भी आपको एक USB टाइप ए कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इसे आसानी से अपने लैपटॉप या फिर चार्जर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की, तो इसके अंदर ब्राइटनेस भी काफी सफिशियंट है, तो इसमें भी आपको इंडोर या फिर आउटडोर शूट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात
करें तो इसके अंदर बाकी सब तो पिछली लाइट्स की तरह सेम ही है, बट इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी नंबर फर्स्ट लाइट की तरफ, जो की है टाइगोट की तरफ से और जिसका नाम है टाइगोट 10 और इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज। तो अगर बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो ये भी पूरा का पूरा प्लास्टिक से ही बना हुआ है और साथ ही ये काफी लाइट वेट भी है। इसके अंदर भी आपको एक यूएसबी टाइप ए कनेक्टर और इनलाइन रिमोट देखने को मिल जाता है जिससे कि आप इसके टेम्परेचर और ब्राइटनेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 कलर मोड्स और 10 ब्राइटनेस लेवल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक काफी सही चीज है और इसके अंदर भी आपको ब्राइटनेस एकदम सफिशियंट देखने को मिलती है। और इसके साथ भी आपको एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है और मैं स्टार्टिंग में आपको इसका साइज बताना भूल गया था जो कि है 10 इंचेस और आप इसे भी आसानी से अपने लैपटॉप चार्जर या फिर पावर बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो इस लाइट के जो कलर्स और ब्राइटनेस है वो काफी अच्छे हैं जिससे कि आप आसानी से काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही ये काफी लाइट वेट भी है। तो 400 रुपीज के अंदर ये लाइट आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है।